तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं 3D साउंड के बारे में। तो आज हम सीखने वाले हैं जो गाइज 3D साउंड है वो गाइज आप कैसे बना सकते हो, वो भी गाइज काइन मास्टर की मदद से। तो उसके लिए गाइज जो है आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और एक गाइज मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, आपको कोई भी मतलब आपको फर्स्ट एक हेडफोन ले लेना है, ठीक है। और हेडफोन को गाइज अपने कान में ले लेना है और उसके बाद आपको जो है गाइज LR करके जो आता है मतलब ये लेफ्ट राइट ऐसे लगा लेना है। उसके बाद आपको ये नॉर्मल मतलब यार नॉर्मल मोबाइल में अगर आप सुनेंगे तो आपको गाइज सुनाई नहीं देगा, उसके लिए आपको दो स्पीकर चाहिए। तो हेडफोन में गाइज दो स्पीकर है, तो आपको पहले हेडफोन को लगा लेना है। और हेडफोन को लगाने के बाद आपको अपना काइन मास्टर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद वहां पर जो जो मैं गाइज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा उसको आपको वीडियो को देखना है। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, क्योंकि गाइज आपको टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, जल्दी से जल्दी मैं आपको बना के मैं आपके पास भेज दूंगा। और आप भाई मतलब यार इस वीडियो को बनाने के बाद भी अगर गाइज आप कोई भी मतलब यार फ्रेंड को भी आप दिखाएंगे और गाइज उसको सुनाएंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मेरा नाम कंचन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है कंचन के एडिटिंग में। तो दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऊपर सेट कर देना और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। तो गाइज फर्स्ट आपको जो काइन मास्टर है उसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो गाइज 16:9 को ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई वीडियो भी ले सकते हो। तो गाइज अभी मैं आपको सिंपल दिखाने के लिए मैं कोई भी एक बैकग्राउंड ले रहा हूँ। तो यहाँ पर बैकग्राउंड लेने के बाद मैं अभी इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो गाइज 20 सेकंड का लिया हूँ। तो यहाँ पर लेने के बाद आपको करना है कि आपको गाइज एक म्यूजिक ले लेना, ठीक है, जो साउंड को आप बनाएंगे उस साउंड को आपको ले लेना है। तो गाइज यहाँ पर मैंने चला गया, जाने के बाद मैं छोटा सा क्लिप ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं गाइज यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर जाता हूं यहां ऊपर तरफ, और यहां से जो गाइज मैं मतलब यार किसी भी एक वीडियो के, तो यहां पर लेने के बाद मैं गाइज ये वाला ले लिया। उसके बाद मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। तो ये जो गाइज ऐड हो जाने के बाद आपको करना है कि आपको सिंपल सी यहां पर जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहां पर गाइज आपको डुप्लीकेट लेयर कर देना। फिर से गाइज यहां पर आपको 2 लेना है, ठीक से देखना। तो यहां पर 2 लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपल सी फर्स्ट वाला जो इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपको यहां पर वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हो मिक्सचर है, तो आपको यहां पर ऑटो वॉल्यूम जो गाइज इसको ऑन कर देना है। और यहां पर जो गाइज थोड़ा सा नीचे देख सकते हो जो गाइज राइट वाला इसको आपको कुछ इस तरह से इधर तरफ ला देना, ठीक, इस तरह से ये वाला हो गया। अभी गाइज आपको करना है कि आपको सिंपल से गाइज नीचे वाला जो नीचे वाला के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको भी सेम टू सेम प्रोसेस कुछ इस तरह से देना है। तो गाइज ये जो चीज़ है आपको यहाँ पर इसी में रहना देना, ठीक है। उसके बाद इसको आपको राइट कर देना है। तो जैसे राइट करेंगे आपको ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करना है, ओके गाइज, इसको आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे देख सकते हो मैंने यार 5 सेकंड के थ्रू कुछ इस तरह का लिया, तो ये मेरा ऑरेंज है अभी। तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का, तो देख सकते हो भाई मेरा यहाँ पर पर्पल हो चुका है। उसके बाद फिर से गाइज 10 सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पर मतलब जो पर्पल करके आपको इसमें क्या होगा आपको गाइज समझ में मतलब यार ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको यह समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ मुझे मतलब बीट बिठाना है। तो यहाँ पर ये वाला हो गया। उसके बाद आपको सिंपल से इस जगह पे आ जाना है। उसके बाद फिर से आपको म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है, ओके। उसके बाद गाइज इस जगह पर आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जो गाइज यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है, और आपको गाइज यहाँ पर एक प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको कुछ इस तरह से ऊपर तरफ कर देना है। उसके बाद फिर से आपको जाना है, इस बीट को पकड़ना है आपको, इसको जो गाइज आपको नीचे तरफ करना है। उसके बाद फिर से आपको इस जगह पर जाना है और आपको गाइज यहाँ पर ऊपर कर देना है, और लास्ट में भी कुछ इस तरह आपको नीचे मतलब गाइज कुछ इस तरह से आपको कर देना है, देख सकते हो। अभी फिर से आपको नीचे वाले के ऊपर क्लिक करना है, आपको इस जगह पे आ जाना है कुछ इस जगह पे। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको भी गाइज इसको कुछ इस तरह से नीचे कर देना है। उसके बाद आपको इधर तरफ आ जाने के बाद आपको इसको गाइज कुछ इस तरह से रख देना है ऊपर तरफ करके। उसके बाद आपको फिर से इस जगह पे आ जाने के बाद इसको नीचे कर देना है और इसको गाइज कुछ इस तरह से आपको ऊपर कर देना है, ठीक है। तो ये वाला जो गाइज आपका साउंड है ये बन चुका है, और ये बन जाने के बाद आप यहाँ पर जो गाइज देख सकते हो मेरा जो बैकग्राउंड मैंने यार ब्लैक लिया था, इस जगह पर आप कोई वीडियो भी दे सकते हो, नहीं गाइज कुछ भी मतलब यार लाइटिंग वगैरह दे सकते हो। और ये जो गाइज हमारा 3D साउंड है ये बन चुका है। उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना, आपको जाना होगा इसके ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टूडियो के ऊपर क्लिक कर देना, जैसे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर हमारा जो अभी सॉन्ग चल जाएगा। तो ये वाला जो है गाइज हमारा बन चुका है। तो इसको गाइज एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको फर्स्ट में या प्रीव्यू में जो दिखाया था सेम टू सेम ऐसा ही है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम और ज़्यादा गाइज मेहनत नहीं लगेगा। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल अगर नया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऊपर सेट कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।